अरे विधायक इधर कहला बुलाया है? अरे सीक्रेट मीटिंग है तो सीक्रेट जगह पर बुलाया है। लो सिगरेट पियो। नहीं, मुखिया ने मना की है। अरे लो भोसरी के पियो, मुखिया ने मना की है। 4 दिन से हम झगड़ा नहीं किए हैं। हेलो हेलो, तुम आवाज सुन रहे हो? कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं, किसी और की हूँ फिलहाल, किसी और की हूँ फिलहाल। भाग तेरा मायके के चलते हैं, दूसर भतार खोजी नहीं लेता, हम कमाल कोची कर जाए। Yes. ये गाना सुन के हर लड़की जानबूझ के दूसर लड़का पटा रही है और पहले वाले से कह रही है कुछ ऐसा कर कमाल। एक लंड से किस लड़की का मन भरा है? No. मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। अरे प्यार तो हम करते थे कि अभी तक अकेले हैं। Wow. नहीं तो कितना प्यार में ले जाके गार मार लेते। प्लीज ऐसे बोल कर हमारे प्यार को बदनाम ना करो। किस्मत में अलग होना ही लिखा था। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। Wow. तेरे नाम अपने लौरे पे लिखवाऊंगा। Oh कि तेरा बन जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत करना। हम दोनों आज किस्मत को बदल देते हैं। Yes. उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। Wow. नहीं, नए का भतार बुरा मान जाएगा। अरे सब लड़की का यही नखरा होता है। अबे भोसरी के इसके अलावा भी एक अलग दुनिया है। Yes. तुम लोगों का पता नहीं लेकिन हमको पूरे देश पर हिटलर की तरह राज करना है। अरे बहिरा, हिटलर कौन था हो? हिटलर तोर माय के यार ना हल्थो ने, जर्मन के राजा था। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम विधायक जी। प्रणाम 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 प्रणाम। इलेक्शन का काम चल रहा है, एकरे मारना है। अरे यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। अरे विधायक जी थोड़ा सा हाफ दिमाग के है। हाँ पता है, ये बहिर है। तुमको पता है ये कौन है? पॉइंट खोल के निहूर जाएगा तो इसको हम माफ कर देंगे। विधायक जी हैं, पैर छू के प्रणाम करो। अरे पॉइंट कहे लगी खोले, चैन के रास्ते से निकाल के मार लेंगे। बम भोले बहिरा माँ के, तू तब कुछ मत बोलो। प्रणाम विधायक जी। अरे तो इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए ना कि विधायक जी हैं। हम जा रहे हैं, आज हमरो ब्रेकअप हो गया। भोसरी के काम पे ध्यान दो, खुद को संभालो। Yes. इतिहास गवाह है, बुरा अच्छा अच्छा को निगल गया है। Oh, आज सरपंच कल पान बेचेगा, फिर सोचते रहना कि क्या प्यार किए थे। Wow. मुखिया एकदम सही बात बोल रहा है। Yes. हम जानते हैं तू नादान नहीं है, मैं तेरे पीछे घूमू ये मेरा काम नहीं है। मैं दीवाना हूँ तेरे फक का। Oh, इस बात से तू अनजान नहीं है। सब घूम फिर के भोसरी के लड़कियों में घुसा हुआ है। आप लोग ऐसे मत बोलिए, औरत का इज्जत करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे बर्बाद होने का क्या सीन है? लड़की के तरह बनो, लड़की खुद को कभी भी बर्बाद नहीं करती है। Yes. इलेक्शन सर पर है, इसको ब्रेकअप का पड़ा है, वो सब छोड़ो। इस साइड के लोगों का वोट मिल जाएगा, लेकिन उस साइड के जो लोग हैं सब गुस्साया हुआ है। अरे इलेक्शन से पहले रंडी के नाच दारू मुर्गा फ्री करवा दीजिए ना, वोट तो वोटे मिलेगा। सब आदमी के 1000-1000 रुपया दे के वोट खरीद लीजिए। अरे लेकिन कमो होना चाहिए था ना। Yes. तुमको हम 200 घर पास करवाने के लिए बोले थे, केवो घर पास करवाया है? हमारा ख्याल से हम सबके घर पास कर दिए थे, तो भोसरी के खाली झोपड़िया दिखाई दे रहा है। सच बताओ केवो घर पास किया है? 40 गो जेकर घर से वोट मिला उसका घर हम पास किए। ई बताओ हम बार बार हम काहे जीतते हैं? काहे कि सब लोगों के लिए हम बराबर काम करते हैं। मुखिया बनने से पहले हम कसम खाए थे कि समाज के लिए कुछ करे या ना करे लेकिन अपन औरत के बूढ़ के कोना कोना पैसा से भर देंगे। इतना औरत से प्यार करता है? हमार चारों धाम मुखियाने में दिखता है। इतना नहीं लूटना चाहिए, गरीब का हाय पड़ता है। अरे विधायक जी एकदम सही बात बोल रहे हैं। तू के गो पैखाना बनवाया है? मुखिया जी से पूछ लीजिए, 200 घर दिए थे तो 150 पैखाना बनवाए हैं। तो सब अभी तक रोडे पर हग रहा है। अरे रोड पर हगने का आदत है तो धीरे धीरे ही ना छूटेगा। हेलो, हम मुखिया अभी आते हैं। विधायक जी मीटिंग किसी और दिन रखिए, घर से बुलावा गया है। इलेक्शन से बढ़कर कोई काम नहीं है। अरे औरत क्या झबिया गढ़वाना है? झबिया कौन चीज के कहता है? बूर के सिंगार है। हमको खैनी खाने के लिए पैसा नहीं है, आई छेदे सजाने में लगल है। Oh my gosh. तू इतना काहे लगी हंस रहा है? अरे हमको वो कहानी याद आ गया। कैसा कहानी याद आ गया? आज से तकरीबन 200 साल पहले जब लोग अपन बाल बच्चा के नाम बिना सोचले रख देता था, उस समय वो चचा थे जो अपन बेटा के नाम लड़वा रख लेते।
आ बेटी के बुढ़वा मैया चौदवा एगो मुर्गा पालले था जेकर नाम गणवा रखले था। बुढ़वा के अगुआ देखने आया, अगुआ वाला बोला कि लड़की को दिखाइए। चचा बोले कि बेटी बुढ़वा चाय लेके आओ। अगुआ वाला सुन के हरक गया। अगुआ वाला कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? तो चचा कहे कि घबराइए मत, ये हमारे बेटी का नाम है। तो अगुआ वाला कहा कि अच्छा, हाँ आजकल यही नाम होता है, हमरो बेटा के नाम तो बुधुए है। लड़की देखा देखी हुआ। ओकर बाद चचा पूछे कि तो जी बताइए, हमारी बिटिया आपको कैसी लगी, पसंद आई? तो अगुआ वाला कहा कि जी हमको तो पसंद आई है, हमारे बेटवा को भी पसंद आ जाएगा, और हमारे घर में वो बुढ़िया है तो ओकरों से पूछना जरूरी है। तो जी हम ऐसा करते हैं, घरे जा के सबसे राय विचार लेके अपने के जी हमें को चिट्ठी लिख दें। चचा कहे कि ये तो बढ़िया है, आपको बेटिया हमार पसंद आ गई है, आपके बेटवा को भी पसंद आ जाएगी और बुढ़िया को भी आ ही जाएगी। तो अगुआ वाला कहा कि ठीक है, तो जी हम लोग अब निकलते हैं, दूर का सफ़र है, पैदल जाना है, शाम से पहले घर भी पहुँचना है। तो चचा कहे कि ठहरिए ठहरिए, थोड़ा देर में लड़वा आएगा, गर्मा मारेगा तो खा के जाइएगा। ये सुन के अगुआ वाला भाग गया। तो ठीक तो किया, घर मरवाने के लिए रुकता। अरे भोसड़ी का तुम्हारा ध्यान कहानी पर नहीं था। यस। चचा के बेटा के नाम कौन सी था? लड़वा। बेटी के? बुढ़वा। वाओ, एगो मुर्गा पाल ले था। कोची नाम था ये। मुखिया के ध्यान अपन औरत के झबिया पर है। गणवा। हाँ, चचा के कहने का मतलब था कि हमर बेटा जब आएगा तो मुर्गा मारेगा तो खा पी के जाइएगा। यस। ये कहानी से क्या सीख मिला? ये कहानी से यही सीख मिलता है कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला उसका मतलब क्या निकाल लेता है और वो बिना कहे चला जाता है। कुछ पल रुक कर अगर अगुआ वाला ये कहता कि जी आप ये क्या बोल रहे हैं, तो चचा कहते कि जी हम तो मुर्गा के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटता जो टूट गया। यस। जो चीज समझ में ना आए उसे पूछ लेना चाहिए। पूछने वाला बेवकूफ बनता है लेकिन बार बार नहीं बनता है। ये कहानी तुमको कैसे पता है? वो चचा को आओ नहीं, हमारे साथ में दादाजी थे। माँ की चूत। ये बताओ इसका इलेक्शन से क्या लेना देना है? अरे साहब थोड़ा हंस लिया कीजिए, नहीं तो कब दांत बिदोर के लौरा में चल जाइएगा, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो चलो यही बात पर पेरिस घुमाते हैं। अरे विधायक जी शौक तो बहुत है कि एफिल टावर पर औरत के चढ़ा के मन भर चो दे। क्या कीजिएगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है इलेक्शन पर ध्यान दो, एक महीना वोटिंग में टाइम है, नली गली सड़क हर चीज क्लियर करवा दो, चाहे जो बन पड़े करो, लेकिन इस बार भी हमको जीतना है। लाइट हर खंभा पे लगाना है? हाँ हाँ, हर खंभा पर लाइट लगाओ, जो अगर आदमी कहे कि हमारे दलान में भी लगा दो, दलान में भी लाइट लगा दो। जिसको वोट देना होगा देगा, मुखियाइन कही है कि मेरे अलावा किसी और के सामने मत झोंकिएगा, वोट मिले या लोहड़े से न मिले। तो ये बार जो लूटल पैसा से झबिया गढ़वा रहा है ना, अगला बार उतरवावे पड़ जाएगा। वोट लेने के लिए सर झुकाना पड़ता है, दुगो बात सहना पड़ता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? Yes. जिसको चौधे हैं उसको भी मौसी बना के उससे भी हम वोट लिए हैं। आप माधर चौधे तो हम माधर चौध बन जाएं। अरे मुखिया जी एक महीना के बात है, गो हाथ जोड़ लेते हैं। अरे हाथ जोड़ के जो इज्जत बचल है वो हम नहीं गंवाने वाले हैं। हमको पता है ये बार हमको कोई वोट नहीं देगा, हम अपन पार्टी से तुमको निकाल रहे हैं। अरे जाओ माधर चौध, तुम्हारे पार्टी में कौन रुकना चाहता है, ठोकने के बाद मौसी बनाता है। अरे मुखिया जी इतना गर्म कहाँ हो रहा है? अरे मुखिया इनके हम लंगटे उघाड़े करके चौराहों पर निहुरा देवेंगे तो कोई माधर चौध हमको वोट नहीं देगा, सब खाली चौध के चल जाएगा। मार मार चौध के, हम यही फिराक में थे कि तू लोग कब झगड़ा शुरू करेगा। इतना पैसा तुमको नहीं लूटना चाहिए था, जनता के लिए भी कुछ करना चाहिए था। दिमाग से काम लो, जनता का पहले भरोसा जीतो, आगे और भी लूटने का मौका मिलेगा। ना ना तू ही लूटा, इन्वेस्टिगेशन में धरा गई तो भवरा बूट ला दे चल जाम। मार बहन चौध विधायक के। अरे तू शांत रहो, देखो तुम लोगों के बिना ही हम इलेक्शन हम जीत के दिखाते हैं। तू झांक नहीं बार इलेक्शन जीतब न तो कह हम अपन लंड से स्टाम्प पेपर पर मोहर लगा दे वही। Oh, 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 oh,